आज का ये वीडियो यूरिक एसिड आपके शरीर में क्यों बढ़ता है, उसे कैसे कंट्रोल करें, इस पर पूरा डीप इंसाइट देगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में और किसी वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेस्ट वीडियो इस कैटेगरी का होने वाला है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बिना किसी दवाई को लिए आप 21 दिन में अपने यूरिक एसिड का परफेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रीजंस क्या क्या हो सकते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के वो भी डिस्कस करेंगे, डूज एंड डोंट्स, आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या खानी है अपने डाइट के अंदर, और इसके साथ में मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा वीडियो के आखिरी में, और कुछ फ्रिक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस का भी हम आंसर करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल, और जैसा आप जानते हैं कि हेल्दी इंडिया के लिए ये जरूरी है कि अपनी डाइट को आप अच्छी तरह समझें। हम चाहते हैं कि आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से बिना दवाइयों के एक हेल्दी जीवन निकाल सके और अपनी जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उनका सामना कर सकें, वो भी बिना दवाइयों के। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज से। आपको मैं ये बताऊं कि यूरिक एसिड बेसिकली रईसों की बीमारी है। अक्सर पुराने जमाने में ये देखा जाता था कि जिनके एक हाथ में हड्डी और दूसरे हाथ में मदिरा का प्याला है, उनको यूरिक एसिड की समस्या अक्सर होती थी, ये राजसी बीमारी है। तो यूरिक एसिड जो हमारे शरीर में ज्यादा बनता है, अगर अल्कोहल कंजम्पशन हाई होगा और साथ में नॉन वेज, क्योंकि वो प्यूरिन रिच डाइट है, ऐसी स्थिति में हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड बहुत बनेगा। यूरिक एसिड दरअसल लिवर में प्यूरिन रिच डाइट से बनता है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, पर ये वेस्टिजियल मटेरियल है जो किडनी से कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ने के साथ में निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, और इसका एक नॉर्मल लेवल अगर मेंटेन रहे तो ये कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता और ये एक इवन एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। पर यदि डाइट के अंदर प्यूरिन्स काफी अधिक हैं तो हमारा लिवर इसको बड़ी मात्रा में बनाएगा, या एक तरफ अधिक मात्रा में बनेगा ये, दूसरी तरफ अगर किडनी की कोई समस्या है या पानी बहुत कम पीते हैं या किसी भी दूसरे फैक्टर के कारण अगर किडनी से इसका एक्सक्रीशन कम है तो उस स्थिति में ब्लड में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में जब इसका कॉन्सेंट्रेशन फीमेल्स में 6 के ऊपर, मेल्स में 7 के ऊपर जाता है तो ये जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है क्रिस्टल के फॉर्म में, और इसमें दर्द की शिकायत मरीज करेगा, क्योंकि जब ये क्रिस्टल के रूप में डिपॉजिट होगा, खास तौर से उंगली के ये फर्स्ट जॉइंट के अंदर, इसके बेस पर, या पैर के अंगूठे के बेस पर जो इसके टिपिकल एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं, या कई बार ये कोहनी के अंदर जाकर के डिपॉजिट होगा तो सीवियर पेन होगा, सूजन आएगा, और इसके अंदर आपके ब्लड में बढ़ने वाली एसिडिटी बहुत अधिक कंट्रीब्यूट करती है। तो रात को पेशेंट नॉर्मल सोता है, मिडनाइट में या मॉर्निंग में देखता है कि उसका पैर का अंगूठा या हाथ की उंगली में दर्द और सूजन आया हुआ है या कोहनी में सूजन है। कभी दूसरे जॉइंट्स को भी ये इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे घुटना या दूसरे जॉइंट्स, और यदि ये स्थिति काफी लंबे समय तक बनी रहे तो उसमें चीजी मटेरियल के रूप में व्हाइट कलर का ये डिपॉजिट हो जाता है और उस समय इसको टॉफाई कहते हैं। इस स्थिति में हो सकता है मरीज को सर्जरी तक करानी पड़े। तो इसके बारे में बाकी की चर्चा हम आगे करते हैं। अब यूरिक एसिड का अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है तो इसके लिए हमें दो पॉइंट पर काम करना होगा। पहला, इसका प्रोडक्शन जो लिवर से होता है उसे कैसे कंट्रोल करें, और दूसरा, इसका एक्सक्रीशन जो किडनी से होता है उसे कैसे बढ़ाएं। मेन रोल इसके एक्सक्रीशन का होता है तो उस पर फोकस करना जरूरी है। जहां तक सवाल है इसके प्रोडक्शन का, तो वो तो आप किसी भी प्रकार की डाइट ले लें, प्रोडक्शन तो होने वाला ही है, परंतु डाइट एटलीस्ट 20% तक इंपैक्ट करती है और वही फर्क लाती है आपके साइन एंड सिम्टम्स को रिजोल्व करने के लिए। अब 21 डेज में किस प्रकार नेचुरली हम अपने यूरिक एसिड का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम फोकस करेंगे इसके प्रोडक्शन पार्ट पर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्यूरिन रिच डाइट, उसके बाद में अल्कोहल, स्मोकिंग और फ्रक्टोज रिच डाइट,
अब इसमें अल्कोहल और स्मोकिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये इंजूरियस टू हेल्थ है। पर उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल किसी भी प्रकार का हो, हार्ड ड्रिंक्स हो, वाइन हो या फिर बियर हो, ये सभी प्यूरिन रिच हैं। इसके कारण ये बड़ी मात्रा में यूरिक एसिड बनाएंगे। इसके साथ में ये लिवर के मेटाबॉलिज्म को भी अफेक्ट करते हैं, इंजूरियस टू लिवर है, इसलिए भी अल्कोहल का लेना प्रोहिबिटेड है। इसके साथ में ये आपके शरीर में डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है, तो अगर ब्लड एसिडिक हो जाएगा रात के अंदर खास तौर से, तो यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट होगा आपके जॉइंट्स में। इसके साथ में जहां तक सवाल है स्मोकिंग का, तो दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिवर को भी इंजर्ड करेगा, ब्लड वेसल्स को करेगा और यहां पर सेल टर्नओवर को बढ़ाएगा। तो इसके लिए स्मोकिंग और अल्कोहल ये दोनों ही आपको कंट्रोल करने होंगे यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को घटाने के लिए। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं और वो है प्यूरिन रिच डाइट। प्यूरिन रिच डाइट वो भी खास तौर से जो एनिमल से आती है वो सबसे अधिक इंपैक्ट करती है। इसके अंदर फिश या फिर मटन, इवन पोर्क, चिकन और जो लोग बीफ खाते हैं, हालांकि हमारे देश में इसका सेवन नहीं होता, और खास तौर से ऑर्गन मीट्स जिसके अंदर लिवर, ब्रेन, इवन कई लोग बोलते हैं ना कलेजी खाना है, तो ये संभल जाइए। जो लोग कलेजी या फिर किडनी इस प्रकार के ऑर्गन मीट्स का सेवन करते हैं, इसको रॉकेट कर देगा भाई। इसके लिए बचा करके ऑर्गन मीट्स का सेवन जरा भी ना करें अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या है तो। अब नॉनवेज में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, और वेजिटेरियन फूड के अंदर भी आपका कई बार यूरिक एसिड बढ़ता है, और इसकी चर्चा मैं एफएक्यू सेक्शन में करूंगा, क्योंकि एक बंदे ने क्वेश्चन डाला है कि मेरा यूरिक एसिड 13 आया है, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, ना मैं अल्कोहल लेता ना स्मोकिंग करता, फिर मेरा यूरिक एसिड इतना क्यों बढ़ गया। तो इसकी चर्चा वेजिटेरियन फूड में जो प्यूरिन रिच डाइट है इसकी चर्चा उस एफएक्यू के टाइम पर हम करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लगातार देखते रहें और पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फूड जो है वो है फ्रक्टोज रिच डाइट। दरअसल फ्रक्टोज आपके लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होता है, तो एक तो लिवर का लोड बढ़ाता है, और जब मेटाबॉलिज्म के बाद में एंड प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर यूरिक एसिड भी बनता है, तो इसे भी प्यूरिन रिच डाइट के अंदर ही कंसीडर किया जाता है। और इसके अंदर कई प्रकार के बिवरेजेस, मीठे बिवरेजेस, खास तौर से फ्रूट जूसेस या कोलास, इवन कैंडीज या फिर आइसक्रीम, इवन ब्रेड्स को भी हमको अवॉइड करना चाहिए। केक, पेस्ट्री, बेकरी प्रोडक्ट, ये सभी चीजें आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी। कुछ फ्रूट जो फ्रक्टोज रिच हैं, जैसे आम, केला, इन्हें भी अवॉइड किया जाना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी चीजें तो एक्सक्लूड कर दी, तो खाने को बचा क्या? परंतु आगे वीडियो के अंदर हमने बताया है कि वो कौन सी चीजें हैं जो सेफली ली जा सकती हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है यूरिक एसिड पर, इसे देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तक हमने उन पॉइंट्स पर बात की जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, बाकी के प्रोडक्शन बढ़ाने वाले फैक्टर्स पर आगे चर्चा करेंगे। पर यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो फूड बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बनाते हैं उससे 5 times अधिक आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड नॉर्मल कंडीशन में बनता है, इसलिए यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और यहां भी मैं एक बात आपको बताता हूं जो सरप्राइजिंग है कि हमारी किडनी यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के बाद 50% यूरिक एसिड को वापस एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि यूरिक एसिड एक इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट भी है। परंतु पहले हम फोकस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर है जिससे एक्सक्रीशन अफेक्ट होता है और कैसे यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाया जा सकता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हम एक्सक्रीशन को बढ़ाएं। इसके लिए हमको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा और लिक्विड को हमारे शरीर में बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं करीब 11 प्रकार के लिक्विड आपको गाइड करूंगा, इन्हें बढ़ाएं। और कुछ 2 से 3 प्रकार के लिक्विड्स में आखिरी में आपको टिप के रूप में दूंगा
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूरिक एसिड के दर्द, यूरिक एसिड की सूजन, क्रिस्टल को डिसॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम आखिरी में देखेंगे। पर ये जो 11 जूसेस या लिक्विड बीवरेजेस हैं, इनके बारे में समझें। यहां मैं कुछ फ्रूट जूसेस की भी चर्चा करूंगा, हालांकि पहले हमने फ्रूट जूसेस लेने के लिए मना किया था, पर कुछ फ्रूट के जूसेस आपको इसमें फायदा भी पहुंचाते हैं। परंतु यहां आप ध्यान रखें, जैसे मैंगो जूस या फिर केले से बनी हुई कोई चीज, इस प्रकार की चीजें जूसेस में आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये फ्रक्टोज रिच है। अब सबसे पहले हाइड्रेशन में आप हल्का गर्म पानी, इसका इंटेक बढ़ाएं, सुबह की शुरुआत करें हल्के गर्म पानी के साथ, या फिर कुछ दूसरे लिक्विड बिवरेजेस उनके साथ में किया जा सकता है, जैसे बटर मिल्क दिन में एक या दो बार लिया जा सकता है। ये आपके यूरिक एसिड के फ्लशिंग को बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेगा, एसिडिक ब्लड को होने से रोकेगा। इसके अपार्ट कोकोनट वाटर, ये काफी अच्छा माना गया है। इसके साथ में स्किम्ड मिल्क, वो भी लिया जा सकता है, परंतु ध्यान रहे कि मिल्क स्किम्ड होना चाहिए और उसमें शक्कर ना डली हुई हो। इसके साथ में चाय, कॉफी, ये डायूरेटिक के जैसे भी काम करते हैं, पर यहां भी हमको शक्कर, स्वीटनर को अवॉइड करना है। इसके बाद में कैरेट, कुकुम्बर और टर्मरिक जूस, ये इंफ्लामेशन को भी कम करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और साथ में यूरिक एसिड को फ्लश करने में मदद करता है। नेक्स्ट इसमें आता है जिंजर बीटरूट जूस, और इसके साथ में आप कुछ करी लीव्स भी डाल सकते हैं, जो आपके फ्लेवर को भी एनहांस करेंगे और आपके यूरिक एसिड को घटाने में मदद करेंगे। इसके बाद में पाइनएप्पल जूस, हालांकि इसमें फ्रक्टोज भी होता है, पर इसमें पाया जाने वाला ब्रोमीन एंजाइम आपको मदद करता है यूरिक एसिड को घटाने में। फिर एप्पल जूस, इसमें जो मैलिक एसिड होता है वो आपको मदद करता है। फिर बार्ले वाटर, जौ को रात में यदि आप भिगा करके रख देते हैं और सुबह में इसका पानी पीते हैं, तो ये डायूरेटिक के जैसा काम करता है, आपके यूरिक एसिड को यूरिन से फ्लश करने में मदद करता है। इसके बाद में सेलरी और फेनुग्रीक सीड, यानी मेथी दाने का जो सीड होता है, उसे रात में भिगा के रख दें और सुबह में इसके पानी को पिए, तो ये भी एक अच्छे डायूरेटिक और यूरिक एसिड को फ्लश करने में मदद करता है। इसके अपार्ट कुछ और भी इससे अधिक इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं जो आपकी मदद करते हैं यूरिक एसिड को घटाने के लिए, इनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अब यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए आपको वेजिटेबल्स का भरपूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स में 90% तक वाटर होता है और ये आपके एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा। पर यूजुअली हम अपनी इंडियन डाइट में करते क्या है, चपाती लेंगे, चावल लेंगे और सब्जियां बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं, जो कायदे से गलत है। आपको हर मील के अंदर 2 से 3 बॉल भर के सब्जी सलाद खाना जरूरी है, और इसमें जैसा सामने आप देख सकते हैं कई सारे वेजिटेबल्स हैं जिन्हें लिया जा सकता है। सैलड के अंदर कुकुम्बर, ओनियन, रेडिश, बीटरूट, इस प्रकार की चीजों का सेवन करें। सब्जियों के अंदर लौकी, तोरई, इसके साथ में बेल पेपर, बैगन, टिंडा, पम्पकिन, इस प्रकार की कई वेजिटेबल्स हैं जो आपके हाइड्रेशन को बढ़ाती हैं, पर कुछ वेजिटेबल आपको अवॉइड करनी चाहिए। वो वेजिटेबल्स हैं स्पिनिच, टोमेटो, मशरूम, पीज एंड इवन कॉलीफ्लावर या फिर ब्रोकली, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। पर जो बाकी की अलाउड वेजिटेबल हैं उनका भरपूर सेवन करें, ये आपके शरीर में हाइड्रेशन को बढ़ाएंगी और इसके अंदर पानी की बड़ी मात्रा होती है, जिससे एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का बढ़ने में मदद मिलेगी। पर फिर भी जिन वेजिटेबल्स को मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है, वो कोई बहुत ज्यादा आपके यूरिक एसिड में इंपैक्ट नहीं डालने वाली है। तो यदि आपका यूरिक एसिड काफी अधिक है, उसी स्थिति में उनको अवॉइड करें, अदरवाइज एक नॉर्मल कंडीशन में उनका सेवन किया जा सकता है। अब तीसरा और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, परंतु साथ में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। एक्सरसाइजेस को रेगुलर करना आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, पर यहां आपको ध्यान रखना है कि आपको इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी, कि बहुत अधिक वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या लंबी मैराथन दौड़ में जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके बॉडी में सेल टर्नओवर को बढ़ाएगा और वहीं पर आपका यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा। तो इस चीज का आप विशेष ख्याल रखें। आप ओबीज हैं
तो आपको वेट लॉस करने में भी एक्सरसाइजेज मदद करेंगी, क्योंकि ओबीज लोगों के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है। आपके शरीर में अगर इंसुलिन बड़ी मात्रा में बनेगा तो ऐसी स्थिति में यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं आपके किडनी में एक्सक्रीशन होने के बाद में वापस एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर यूरिक एसिड को घटाने में तकलीफ होगी। तो विशेष ध्यान रखें, अगर आपका वजन ज्यादा है तो डाइट और एक्सरसाइजेस से अपना वेट लॉस करें, पर इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करें। इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाएं जिससे यूरेट क्रिस्टल्स वापस एब्जॉर्ब होके आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा ना दें। अब एक लास्ट फैक्टर जिसका आपको ख्याल रखना है, अक्सर लोग अपने को डी स्ट्रेस करने के लिए एल्कोहल या स्मोकिंग का सहारा लेते हैं, पर आपको वो चीजें अवॉइड करनी है। आपको सहारा लेना है प्रॉपर स्लीप का, और स्लीप प्रॉपर करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को ठीक करें। अपने जितने भी गैजेट है इलेक्ट्रॉनिक, उनको लगभग एक घंटा पहले स्विच ऑफ कर दें। अपना प्रॉपर एनवायरनमेंट बनाएं स्लीप के लिए, अपने आप को डी स्ट्रेस करें, रूम टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन करें, और इसके साथ में यदि मेडिटेशन की जरूरत हो तो वो लें, और 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप विद प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत जरूरी है 21 दिन में यूरिक एसिड को नॉर्मल लाने के लिए। अब मैं वीडियो के आखिरी सेक्शन में आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। इसमें यदि आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं पेठे के जूस से, पेठे को आप एशगार्ड, विंटर मेलन इस नाम से भी जानते होंगे, इसका यदि आप जूस का सेवन करते हैं तो इवन डायबिटीज के अंदर या फिर यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसके साथ में आप अगर चाहें तो या तो इसे लें या फिर एप्पल साइडर विनेगर 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के लेते हैं तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करने में मदद मिलती है और जो जॉइंट्स के अंदर पेन हो रहा है उसमें भारी कमी लाई जा सकती है। इसके साथ में दोपहर होते होते 1-2 गिलास लाइम वाटर का जूस, परंतु लाइम वाटर लेने से पहले ध्यान रहे इसके अंदर आपको शुगर नहीं डालनी है। हल्का गर्म पानी, उसके अंदर नींबू निचोड़ें और इस पानी का आप सेवन कर सकते हैं। इससे आपको यूरिक एसिड फ्लश करने में मदद मिलेगी। और इसके अपार्ट यदि आप चेरी का जूस, जो बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होगा, पर यदि आप चेरी जूस या चेरी का सेवन करते हैं तो उससे भी आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको एक्सेसिव एक्सरसाइजेस नहीं करनी है और ना ही क्रैश डाइटिंग करनी है, क्योंकि जब भी आप ये करते हैं तो एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो ATP के साथ में आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। जब सेल डेथ बढ़ता है एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह करने पर, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, ऐसी स्थिति में RNA DNA के डिग्रेडेशन से यूरिक एसिड ज्यादा बनता है, फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड ज्यादा बनता है, तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक वेजिटेरियन जो प्यूरिन रिच डाइट है जिसमें नट्स या प्रोटीन्स आते हैं उनकी तो चर्चा ही नहीं की, इसके अपार्ट मैंने कई मेडिसिन्स की चर्चा नहीं की जिनको लेने से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है, और यूरिक एसिड के अंदर क्या दवाइयां लेनी चाहिए, इन सब की चर्चा हम FAQ सेगमेंट के अंदर अभी करेंगे। अब Q&A सेक्शन के अंदर मुझसे कुछ सवाल पूछे गए हैं कि सर मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, सिर्फ दाल चावल खाता हूं, नॉर्मल देसी खाना, ना दारू ना नशा, फिर भी मेरा यूरिक एसिड 13 चला जाता है, मैं 27 साल का हूं, प्लीज हेल्प। देखिए कैसा है कि कई वेजिटेरियंस के केस में देखा जाता है कि यूरिक एसिड बहुत हाई हो जाता है, तो ऐसे में कुछ भोजन के अंदर जो वेजिटेरियन है उनमें भी प्यूरिन रिच डाइट हो सकती है, जैसे एक्सेसिव दालों का यूज करना। हालांकि दालों का, नट्स का, सोयाबड़ी का, पनीर का, इन सब का इस्तेमाल सेफ है, इनको एक मॉडरेट अमाउंट में लेने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता, पर यदि आप एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो जितने भी वेज नॉन वेज वाले लोग हैं वो ये वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन ले सकते हैं। जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं वो एक्सेसिव अमाउंट इनका लेने से कंट्रोल करें। इसके साथ में कई दूसरे फैक्टर हैं, जैसा मैंने बताया था एक्सक्रीशन,
यदि आप अपने बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते, आपके बॉडी से यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो जूसेस या जो फ्लूइड लिक्विड्स का मैंने आपको सेवन करने के लिए बोला, उनका भरपूर इस्तेमाल करें। इसके बाद में यदि आपको ओबेसिटी है, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट लॉस करना चाहिए, और अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो वो भी आपके किडनी से यूरेट क्रिस्टल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और आपको यूरिक एसिड की समस्या आएगी। तो इन सभी फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल पूछा है कि यूरिक एसिड में क्या अंडा नुकसान करता है या नहीं। अब जिन लोगों को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और नॉनवेज लवर है, तो अंडा एक ऐसा एक्सेप्शन है जो प्यूरिन लो है, इसका सेवन किया जा सकता है, इससे आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में अगला सवाल पूछा है, सर यूरिक एसिड में फेबुक्सोस्टेट टैबलेट ले सकते हैं या नहीं। देखिए, जहां तक दवाइयों का सवाल है, सेल्फ मेडिकेशन से बचें पहली बात। अदरवाइज अगर आपको एक्यूट गाउट का अटैक आता है तो उस स्थिति में अक्सर हम लोग कोल्चिसिन, साथ में दर्द की गोलियां, स्टीरॉयड अगर जरूरत पड़े तो इसका सेवन करने के लिए देते हैं। 7 दिन के बाद में कोल्चिसिन को हटा करके या तो एल्योपेरिनॉल जैसे जाइलोरिक या फिर फेबोक्सोस्टेट, इस प्रकार के जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को दिया जाता है, तो इस प्रकार की दवाइयों का सेवन करने के लिए बोला जाता है। परंतु इन सभी दवाइयों का सेवन आप मेडिकल सुपरविजन में करें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें। इसके बाद में अगला सवाल पूछा है कि लौकी में यूरिक एसिड बढ़ता है क्या। नहीं बढ़ता भाई, आप सफिशिएंट क्वांटिटी में ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल पूछा है, डॉक्टर साहब यूरिक एसिड एंड आर्थराइटिस दोनों हैं, क्या मैं एप्पल साइडर विनेगर ले सकता हूं, आपकी मेडिसिन भी ले रहा हूं, प्लीज रिप्लाई। देखिए, इनको आर्थराइटिस है और उसके साथ में प्रोबेबली ऑस्टियोआर्थराइटिस होना चाहिए, साथ में यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि एप्पल साइडर विनेगर लिया जा सकता है, 3 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास में पानी डिजोल्व करके इसको लेने से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को डिजोल्व करने में मदद मिलती है, जिससे दर्द और सूजन में भारी कमी आती है। फिर भी यदि आपके यूरिक एसिड को लेकर के, गाउट को लेकर के कुछ क्वेरीज हैं, तो आप मेरी और मेरी टीम की सामने दिए नंबर पर मदद ले सकते हैं।